बिग बॉस के गए हैं इस सीजन के पहले नॉमिनेशन और हुआ है आशु गुणरतन सगावर्ते के साथ। जी हाँ गाइस, यहाँ पे नॉमिनेशंस में जब करण मेहरा से बिग बॉस ने पूछा कि करण आप किसे नॉमिनेट करना चाहोगे, तो करण ने गुणरतन जी का नाम लिया और कहा कि ये अलग ही गेम में आए हुए हैं, इस गेम में बिग बॉस के गेम में वो आए ही नहीं हैं। और जब गुणरतन जी से पूछा गया कि वो किसे नॉमिनेट करना चाहेंगे, तो उन्होंने नाम लिया करणवीर का और कहा कि मैंने इनका नाम सुना ही नहीं। जिस पर करणवीर ने कहा कि कम से कम आपने मेरा नाम सुना तो है, मैं तो आपका नाम सुना भी नहीं हूँ। और इसी बात पर करणवीर और गुणरतन जी के बीच में हो जाती है लड़ाई। और फिर चाहत पांडे से जब पूछा जाता है कि वो किसे नॉमिनेट करना चाहेंगी, तो चाहत पांडे जो है नाम लेती है विभिन्न सेना का और कहती है कि इनका बहुत ही ख़राब एटीट्यूड है और मुझे ये नहीं पसंद है घर में, तो मैं इन्हें नॉमिनेट करना चाहूँगी। जिस पर विभिन्न कहते हैं कि कम से कम अगर आप जैसा मेरे साथ बिहेव करोगे आपको वैसा ही मिलेगा, अगर आप मेरे साथ ख़राब करोगे तो मैं आपके लिए सबसे ख़राब हूँ। और फिर विभिन्न ने रिप्लाई दिया चाहत पांडे को कि एटीट्यूड कब आता है, जब सामने वाला बदतमीज़ी करता है। तभी चाहत पांडे कहते हैं कि तेरे से पूछा किसी ने, जिस पे विभिन्न कहते हैं कि मेरी मर्जी मैं बोलूँगा तेरे को क्या प्रॉब्लम है। जिस पे चाहत पांडे कहती है यहाँ पे तेरे को मेरे को करना शुरू नहीं कर। और यहाँ पे चाहत और विभिन्न के बीच में काफ़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है। वेल गाइस, विभिन्न ने और चाहत पांडे के बीच में तो काफ़ी बड़ी लड़ाई हो ही चुकी है नॉमिनेशंस में, और यहाँ पे चाहत पांडे ने नॉमिनेशंस में विभिन्न का नाम भी ले लिया है। वेल गाइस, बिग बॉस 18 के पहले नॉमिनेशंस में छिड़ चुकी है जंग, घर वालों ने किया एक दूसरे को नॉमिनेट। इस पे आपकी क्या राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और बिग बॉस 18 के ऐसे और लाइव अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल गॉसिप गर्ल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी के लिए बाय गाइज़।